सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल ने आज अपने काफिले के साथ ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर विधानसभा चुनाव में जनता से समर्थन मांगा। ठरडा गांव से शुरू हुआ जनसंपर्क काफिला जब बोबासर गांव में पहुंचा तो वहां ग्रामीणों ने पानी की समस्या का समाधान करने की मांग खेमाराम मेघवाल से की। वहीं गांव हेमासर की गोगामेड़ी में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए खेमाराम मेघवाल ने कहा कि विकास के कार्यों को और अधिक गति देने के लिए भाजपा के लिए वोट कीजिए। इसी प्रकार गांव कोलासर के ग्वाड में भी सभा की गई जिसमें मरसीसर सरपंच सांवरमल राजपुरोहित सहित अनेक ग्रामीणों ने भाजपा प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल का माल्यार्पण कर स्वागत किया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने भाजपा प्रत्याशी को फलों से तोलकर अभिनंदन किया जिसके बाद ग्रामीणों में फलों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में भाजपा नेता गणेश मंडावरिया, मांगीलाल पुजारी, धर्मवीर पुजारी, सुरेश पुजारी, विजय चौहान, सरपंच हनुमान मौर्य, मांगीलाल भामू, मनोज भाणेज, महावीर सिंह पार्वती सर आदि मौजूद रहे। देहात भाजपा के अध्यक्ष महावीर सिंह पार्वती सर ने कांग्रेस प्रत्याशी मास्टर भवनलाल मेघवाल पर की राजनीति करने के आरोप लगाते हुए कहा कि मास्टर भवनलाल मेघवाल बोलते कुछ और हैं लेकिन उनके मुंह से निकलता कुछ और है। वहीं पूरे कार्यक्रम में लोग पीपलगट्टे पर ही बैठे रहे और भाजपा प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल का भाषण खत्म होने तक उनके सामने लगी जनता के बैठने के लिए बिछाई गई दोनों चटाई खाली ही पड़ी रही जिससे जनसंपर्क के प्रति जनता की रुचि कम नजर आई। जनसंपर्क के दौरान ग्रामीणों ने गांव के बीचों बीच टूटी पड़ी पानी की टंकी भी मीडिया को बार बार दिखाई और कहा कि इस समस्या का समाधान नहीं हो रहा है इसलिए इसकी खबर लगाइए। वहीं कोलासर गांव से भीमसर गांव तक सड़क बनाने के लिए ग्रामीणों ने भाजपा प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल का आभार प्रकट करते हुए कहा कि यह गांव की 40 साल पुरानी समस्या थी जिसका समाधान करने से ग्रामीण काफ़ी खुश हैं। आप भी देखिए कांग्रेस प्रत्याशी मास्टर भवनलाल मेघवाल के बारे में क्या क्या कहा देहात भाजपा के अध्यक्ष महावीर सिंह पार्वती सर ने कोलासर गांव में, और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। राम राम जी आया राम जी का माला पहना के स्वागत करें। बनवारी सिंह जी केतुवाल राम जी का माला पहना के स्वागत करें। कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ एक ही काम कर रही है, जाति और धर्म के नाम पर लड़ाने का काम। आप देखो कल कांग्रेस का जगह उम्मीदवार मैं आपकी दौरे की शुरुआत करी एक वीडियो आए बांगो जगह मैं विकास नाम की कोई शब्द काम कौन लियो, कोई विकास के काम की बात कौन करी, सिर्फ एक ही बात करी कि मैं प्रधान बनायो, मैं यहाँ बनायो, मैं बिया बनायो। और आज वो भट्ट चले गयो और आज स्वामी मेरे सागे यार, आज जाट मेरे सागे को सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की बात। 3.5 मिनट को बांगो भाषण हो जगह मैं जातिवाद के अलावा कोई बात कौन करी। मैं आप लोगों के बीच में वोट मांगिया विकास के नाम पर और आज वापिस विकास के नाम पर वोट मांगने आपके बीच आया। और सभी ग्रामवासियों को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और ग्राम पंचायत मरसीसर के और आपके गांव के सरपंच सांवरमल जी राजपुरोहित ने जो आज हमारे आदरणीय और भाजपा के प्रत्याशी श्रीमान खेमाराम मेघवाल ने आज इस गांव में गुआड़ के अंदर चौपाल के अंदर एक केलों से तो लगे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और इस गांव में लगभग जहां तक दौरा हुआ तो मैं साथ रहा हूं। इस गांव की जो भी मांग थी अरबी मांग के मायने जो खेमाराम जी ने की वो काम सबके सामने करके दिखाया। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, आपने कहा था कि कोलासर से लेके और भीमसर प्याऊ तक सड़क होनी चाहिए, आपके सामने सबके सामने सड़क बना दी। और इसी सरपंच साहब ने कहा था कि विधायक जी खेमाराम हमारे गांव की पानी की समस्या यह है कि वर्ष का पानी
हम चल नहीं पा रहे इस आम रास्ते से। सुजानगढ़ से आते रास्ते पानी की बहुत बड़ी समस्या थी और पानी से चला जाता था, वो पानी आज अंडरग्राउंड पाइप डाल के और पानी की समस्या आपके गांव में थी है। और आपके गांव में स्कूल में कमरे भी है और बहुत बहुत अच्छे गांव में काम किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जो भवनलाल जी है मेघवाल साहब मास्टर जी वो आजकल जातिगत भिड़काव भाषण दे रहे हैं। मैं उस कैच का देखा हूँ, कल का वीडियो भी देखा हूँ गोपालपुर के अंदर की आज जातिगत कोई भी भिड़काव भाषण नहीं देना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ वो कह रहा कि मुझे ये मार रहा है। मैं कह रहा तू सभी ने मार दिया, किसी को नहीं छोड़ा, अपने मेघवालों को तू नहीं है। अगर एक मेघवाल को राजनीतिक में तो मुझे बताओ सुजानगढ़ तहसील में वो कह राजा हूं तो मैं एक हूँ ऐसा वो नहीं मानते थे। और आज मैं कहना चाहता हूँ कि सभी को कहना चाहते हूँ कि हमारे राजपूतों के अंदर फिर रहे कि हमारे ये मार रहे राजपूतों में। कहना चाहता हूँ कि आपको ये कह रहा बाकायदा एकदम कि मैं राजपूतों के अंदर पहाड़ियों को नहीं छोड़ूंगा। मेरे गांव छत्र सिंह ने कहा था वही भवनलाल है और भवनलाल कहता है और पुसारा ने मार दिया, वो राजपूतों ने मार दिया, फलाने मार दिया, ये सब भवनलाल की चाल है। भवनलाल को सब जानते हो, भाई के तारांड को नवाने वाले हो भवनलाल है। जय हिंद जय भारत। आप सभी का मन देखते हुए पूरे इनको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया। मैं लोगों के साथ हूँ, आने वाला समय आपका है, जो समय था वो भी आपका है। कितने लोग बेटे हम बेटे हम भी आपके हैं। समय के देखते हुए हमें निर्णय लेना है। राष्ट्र को एक राष्ट्र एकता को देखते हुए देश की स्थिति कैसी है, आप लोग क्या सोच रहे हैं। हमारे सामने सरल सभाओं का कमलकारी साहब अधिक से अधिक मत देते भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्यामाराम जी मेघवाल को आप जिताए। कठिन मेहनत करनी है, समय का ध्यान रखते हुए हमें कमल का फूल जिताना है। धन्यवाद। जरूर हमारे रंगीर जी पुजारी साहब, सुरेश जी पुजारी साहब, चुप्रदार आपसे वोट मांगने के लिए आपके बीच में आया हूँ और आपके आशीर्वाद से आपके समय से मुझे भारतीय जनता पार्टी ने चुप्रदार आशीर्वाद दिया है तो मुझे पचास अगर के आपके बीच में भेजा है। तो आप लोगों का तो मुझे आशीर्वाद मिला है और तो मुझे वो काम करने का मौका तो मैंने भरसक प्रयास किया है कि ग्राम से किया जाए। निश्चित रूप डिमांड होती है और इसके लिए हर गांव में अपनी अपनी अलग अलग मांग होती है। लेकिन मैंने कोलासर के अंदर जो आपने सबसे बड़ी मांग थी जो अभी आपने बताया कि 30 साल से हमारी एक ही मांग थी कि ये काम बड़ा तो मैं तो इसके लिए इतना बड़ा नहीं हूँ क्योंकि मुझे आप लोगों ने आशीर्वाद दिया है तो ये आपका आपकी व्यवस्था थी। अब इसमें आपके आशीर्वाद से यह सब हुआ है। यहाँ सबसे बड़ी कोई समस्या थी तो यहाँ पानी की निकासी की थी, बरसात के पानी की, और इसके लिए हम देखते थे कभी सोलह से सीधा लेते थे अत्यंत प्रयास होते और आप इस सरकारी योजना का सही ढंग से करके तो ये भी सड़क बना के लिए जो अंडरग्राउंड नाला बना देते ये देश का भाग्य तय करेगा। ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव को लेकर के छोटी मोटी बातों को लेकर के क्योंकि इस चुनाव के माध्यम से इस देश के भविष्य का होना प्रतिया है वो पूरे भारत के अंदर राष्ट्र को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं और उसके लिए माननीय नरेंद्र जी मोदी इस देश का जो नाम रोशन किया है आज देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर मोदी जी का नाम है और मोदी जी ने हिंदुस्तान का वो नाम चमकाया है कि वर्ल्ड भी आज उसको सम्मान के साथ देखते हैं। ये निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि आपने देखा है कि वसुंधरा जी की सरकार और माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस देश के लिए जो काम किया है वो एक ऐसे पूर्ण रूप से अध्यापक लगाने का काम किया है। हर स्कूल के अंदर हमने पढ़ाना अध्यापक लगाने का जो काम किया है वो अपने आप में ऐतिहासिक है। यही नहीं
गाड़ियों के अंदर बिजली का कनेक्शन लेने के लिए लोग कैसे कैसे कितना कितना ठीक हो जाने का काम किया है वो अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक काम हुआ है वो आप देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ हमने किसानों का लोन माफ करने का जो सरकार ने निर्णय लिया वो भी बहुत ही ऐतिहासिक है। किसानों के बिजली के बिल माफ करने का जो काम किया है वो बहुत ही ऐतिहासिक है। और आपने देखा है कि आज गाँव के अंदर नहीं शहरों के अंदर निःशुल्क भोजन की व्यवस्था और 8 रुपए में खाना और 5 रुपए में नाश्ता ये व्यवस्था जो हुई है आप देखते हैं सुधांगर शहर में जाते हैं कहीं पर भी जाते हैं।